सो ही गाइज वेलकम बैक न्यू अनदर वीडियो गाइज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उस दौरान अगर किसी और का कॉल आ रहा है, चाहे किसी का भी कॉल आए, तो सबसे पहले तो बिजी बताता है। ऐसे कंडीशन में आप जिससे कॉल कर रहे हो और अगला बंदा अगर कॉल कर रहा है तो उसको बिजी बता रहा है, तो अगर आप चाह रहे हो कि उसको बिजी ना बताए, बिजी बता कर या तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ बताए या आप आउट ऑफ कवरेज बताए, मतलब कुछ भी बताए बिजी के अलावा, है ना, जिससे कि वह जान ना पाए कि आप मतलब किसी और से बात जो है अभी कर रहे हो, है ना। एक सेटिंग मैं आपको बताऊँगा जिससे अगर फ़ोन पर अप्लाई करोगे तो जब भी आप किसी से बात करोगे तो उस दौरान का किसी भी कॉल आएगा तो स्विच ऑफ बताएगा या आउट ऑफ कवरेज बताएगा, मतलब अगला इंसान नहीं जान पाएगा कि आप मतलब बात कर रहे हो, ना। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को आपको लाइक करना होगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो चले जाते हैं फोन स्क्रीन पर, यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसे इसको यूज करते हैं। चूंकि अपने फोन स्क्रीन पर, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने फोन का डायलर पैड ओपन करना है एंड थ्री डॉट यहाँ पे आपको जाना है। एंड थ्री डॉट पर जाने के बाद हमें सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड सेटिंग के ऑप्शन जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। कॉलिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा, कॉलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा है कैरियर कॉल सेटिंग, तो इस पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग पे जाएंगे, है ना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कॉल फॉरवर्डिंग पे जाएंगे और यहाँ पर अपना सिम सेलेक्ट करेंगे किस पे मतलब कोई कॉल करेगा तो वो जो है बिजी बताएगा या नॉट रीचेबल बताएगा, कुछ भी बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर वॉइस कॉल सिलेक्ट करता हूँ। एंड वॉइस कॉल जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर चार ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन ये है ऑलवेज फॉरवर्ड, तो यहाँ पर अगर ऑलवेज फॉरवर्ड में मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, है ना। एक मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर प्लस वाले बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। वह मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि स्विच ऑफ हो, मतलब कोई चलाता ना हो, या आपके पास अगर सिम हुआ है तो आप निकाल के उसे रखे हो, ना। ऐसा कोई ख़राब सिम का नंबर जो है आपको डालना है जो मतलब जिसपे कॉल ना लगे। तो यहाँ पर अगर ऑलवेज फॉरवर्ड भी कर देते हो तो जो मोबाइल नंबर आप डाले रहोगे कोई भी कॉल करेगा उसी पे कॉल जाएगा, है ना। और अगर बिजी है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही कि अगर बिजी बताता है तो उस पे जाएगा। तो जब भी अगर आप किसी से बात करोगे तो उस दौरान अगर कोई आपके पास कॉल करेगा तो जब भी बिजी बताएगा तो वह ऑटोमेटिक दूसरे पे फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि ये फॉरवर्डिंग है ना। तो दूसरे पे जब फॉरवर्ड करेगा, जो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको दिखाया कि कौन सा कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, तो उस मोबाइल नंबर पर ये जो है अगर बिजी रहेगा तो उस मोबाइल नंबर पर फॉरवर्ड करेगा, और जैसे ये फॉरवर्ड करेगा तो वो मोबाइल स्विच ऑफ तो रहेगा ही रहेगा, तो तुरंत आपको बताएगा कि ये उनका फ़ोन जो है स्विच ऑफ है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप बात कर लोगे तो आप कोई जान नहीं पाएगा कि यहाँ किसी से बात जो है करते हो, है ना। उसी तरीके से अनसर्वर्ड, मतलब कोई अगर रिसीव नहीं करेगा तो डायरेक्टली उसके पास कॉल जाएगा, तो अनरिचेबल भी है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अनरिचेबल कब होता है, जब नेटवर्क नहीं पाता, है ना। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिया। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजी वाला ऑप्शन जो था, तो सबसे पहले बिजी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, इनेबल कर देना है इसको। एंड जैसे फिर आप इनेबल करोगे तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है आपको डाल के, जब आई होप कि ये अब सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में घंटी बजाने का उसको दबा देना।